नमस्कार, जय सीएलसी। मैं समर चौधरी, मैं नीलेश प्लानिया। आज आपको जैसे पता है 12 मई 2024 को पूरे राजस्थान में एसटीसी 2024 कंडक्ट हुई है, तो आज इस वीडियो के द्वारा हमारी टीम सीएचएस पूरे एक पेपर क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए लाई है, जिसमें आप पूरा डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं और हमारी आंसर की से आप देख सकते हैं कि आपके इस एग्जाम में कितने नंबर बन रहे हैं। जैसे कि बच्चों से और टीचर से बात हुई, इस बार का पेपर नो डाउट पिछली बार से थोड़ा आसान रहा है। दूसरी चीज ये भी है कि इस बार की जो स्ट्रेंथ है वो लास्ट ईयर से काफी कम बैठी है, क्योंकि जनरली एसटीएससी नवंबर या दिसंबर में होता है, बट इस बार यही एग्जाम मई तक पोस्टपोन हो गई है। थोड़े कम बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिससे हमें लगता है कि जो लास्ट में एक जो मेन अपनी जिस चीज की लड़ाई जो कट ऑफ है टॉप 20 में आने की, वो पिछली बार से थोड़ी कम आ सकती है, क्योंकि इस बार बच्चा कम बैठा है। बाकी अच्छा आसान पेपर रहा, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी भी एक अच्छी प्रैक्टिस थी, अच्छा उसने दो साल 9th और 10th में अच्छी प्रिपरेशन की है, उसके लिए पेपर बहुत आसान था। उसके लिए कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो उसको लगा कि मैंने कभी सॉल्व नहीं किया या मैंने मेरे कभी मॉड्यूल या शीट में कभी सवाल ना देखा हो। हाँ नहीं सर, जो अपने माइनर्स लगे हुए थे कई क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन भी आए हैं। जैसे मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, टीचर्स का भी कहना था कि सर ये 12th के जो पेपर्स में आ रहे हैं इसमें मैथ का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिजिक्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वो भी बच्चों को अपने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है सर। तो बाकी और कुछ आप अपने व्यूअर्स को बोलना हो? ये है कि जो एज यूजुअल एज हमेशा की तरह एसटीएसए के अंदर 9th और 10th का जो रेशियो रहता है वो भी इस बार वो कर रहा है 40% 9th का 60% 10th का। पेपर का लेवल जैसे आपने बताया है टीम सीएचएस के साथ डिस्कस करते हुए कि पेपर का लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ईजी था, बट नंबर्स ऑफ स्टूडेंट भी बहुत कम बैठे थे, तो नो डाउट कि मेरिट जो है वो थोड़ी सी कम ही रहेगी, और देखते हैं अब क्या रहता है क्या नहीं रहता है। और जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि सीएलसी पिछले 29 साल से नीट और जेई में एकदम पैरेलल काम कर रही है और पैरेलल रिजल्ट निकाल रही है, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे इस साल का रिजल्ट है जेई मेंस का, जहां पिछले साल 98% से ऊपर हमारे 17 बच्चे थे, इस बार हमारे लगभग 4 गुना बढ़कर वो बच्चे 64 पर हो गए। दूसरा, अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है 5 मई को, जो एक्सपेक्टेड की है उसके अकॉर्डिंग सीएलसी का लगभग 43 बच्चा 700 प्लस से ऊपर स्कोर कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी संख्या है। लास्ट ईयर की संख्या हमारी 2 पे थी, जो 2 से लगभग 20 गुना से भी ज्यादा होकर 43 पर आ गया है। क्लासरूम के बच्चे हैं सर ये, और ये सिर्फ हमारे सिक्कर क्लासरूम के बच्चे हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की सर्च पर हैं फॉर नीट और जेई या एनडीए की प्रिपरेशन के लिए, तो आप जरूर सीएलसी आए, सीएलसी विजिट करें। सीएलसी अपनी ब्रांचेस सिक्कर, जयपुर, अलवर और बीकानेर विजिट करें और वहां जाके डिफरेंस पाए कि सीएलसी और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या फर्क है। और सीएलसी स्कूल विंग्स में भी है। बिल्कुल, सीएलसी स्कूल विंग्स में भी है। बहुत पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जिनको अपने बच्चे के लिए अच्छी स्कूलिंग के लिए तलाश में है, तो अगर आप अपने बच्चे के लिए अच्छा सीबीएसई स्कूल के लिए सर्च में है तो आप सीएलसी का जो सीएलसी इंटरनेशनल स्कूल है जो चेलासी में है, 41 बीघा में फैला हुआ सुंदर सा कैंपस है, आप वहां जाएं विजिट करें। और अगर आप आरबीसी स्कूल की तलाश के अंदर है तो आपके पास है केवीएम जो 6ठी से लेकर 12वीं तक अपने बैचेस रन करती है, 11th 12th के अंदर उसके पास स्ट्रीम है, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है और साइंस स्ट्रीम है। और अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि 6th क्लास से ही उस बच्चे का एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं, उस बच्चे का बेस तैयार करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है सीएचएस सीएलसी हाई स्कूल। और इस बार समर सर एनडीए का रिजल्ट आया है, बिल्कुल, जिसके अंदर 43 बच्चे अपने क्लासरूम के बच्चे एग्जाम में बैठे थे, जिनमें से 8 बच्चे हैं जो प्योर एनडीए विंग से रिटर्न क्वालिफाई हैं। वैसे तो अपने 15 बच्चे हैं लेकिन 7 अपने जेई विंग से हैं और 8 अपने एनडीए विंग से हैं। बिल्कुल, तो जो भी पेरेंट्स और बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सीएलसी आए विजिट करें। सीएलसी हर थर्सडे का अपना नया बैच ओपन करती है, तो आप आए और सीएलसी विजिट करें। जय सीएलसी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी का सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। जो आपको पता है कि आज एसटीएससी का पेपर हुआ है हमारा स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम, जो 23 का सेशन था बट 24 में हो रहा है कंडक्ट, उसमें हम लोग मैट का पेपर जो है उसका वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो वेन डायग्राम से रिलेटेड है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो, स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इट। तो सबसे पहले हमें जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल रिप्रेजेंट द साइंटिस्ट, जो ट्राइंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइंटिस्ट को। सर्कल रिप्रेजेंट टू प्लेयर्स, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेयर्स को। और स्क्वायर रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं हमारे पास? एक्टर को।
अब हम लोग इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके सॉल्यूशन बनाते हैं। और क्वेश्चन है हमारे, चूज द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट प्लेयर एक्टर बट नॉट साइंटिस्ट। प्लेयर भी होना चाहिए एक्टर भी होना चाहिए, तो प्लेयर और एक्टर यही वाला पोर्शन रह रहा है जिसमें ए और ई है, बट नॉट इन साइंटिस्ट, मतलब ए नहीं होगा, देन ए ई इज आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट ऑल थ्री प्लेयर एक्टर एंड साइंटिस्ट, जो तीनों प्लेयर भी हो एक्टर भी हो साइंटिस्ट भी हो। ऐसा क्वेश्चन हमें अगर देखना है जो एक्टर भी हो प्लेयर भी हो और साइंटिस्ट भी हो, तो ऐसा तो हमारे पास ए वाला एलिमेंट रहेगा। अब हम लोग इसके अंदर आंसर देखते हैं, ए ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट प्लेयर बट नॉट साइंटिस्ट एंड एक्टर। मतलब हमें ऐसा बताना है कि विच रिप्रेजेंट द प्लेयर बट नॉट साइंटिस्ट एंड एक्टर, जो साइंटिस्ट और एक्टर नहीं हो। तो हम लोग एक बार साइंटिस्ट और एक्टर नहीं हो और वो प्लेयर हो, तो ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर एफ। तो आंसर देखते हैं यहां से, एफ इसके अंदर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चूज द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट साइंटिस्ट बट नॉट प्लेयर एंड एक्टर। हमें ऐसा देखना है जो साइंटिस्ट है बट प्लेयर और एक्टर नहीं है, तो देखते हैं साइंटिस्ट है जो प्लेयर और एक्टर नहीं है, प्लेयर और एक्टर नहीं है। एक बार ये डाटा देखना, प्लेयर और एक्टर नहीं है, प्लेयर और एक्टर नहीं है, साइंटिस्ट है, बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट साइंटिस्ट एंड एक्टर बट नॉट प्लेयर। मतलब हमें ऐसा देखना है जो साइंटिस्ट और एक्टर हो बट नॉट प्लेयर, साइंटिस्ट एक्टर नॉट प्लेयर, साइंटिस्ट एक्टर, साइंटिस्ट और एक्टर बट नॉट इन प्लेयर, तो प्लेयर ए आ गया, तो बट ये आंसर क्या जाएगा, सी। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्रिएट है, ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस है, रोटेट 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन विल ही फेसिंग नाउ। तो हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब ये हो जाएगा आपके पास नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इफ राजेश इज, राजेश इज सेज, क्या कह रहा है राजेश, विशाल्स मदर, विशाल्स मदर, विशाल्स मदर इज माय मदर्स ओनली डॉटर, इज माय मदर्स ओनली डॉटर, मतलब ये पर्सन यहां है, तो फिर यहां विशाल आ जाएगा नीचे, यही तो रहेगा ना, देन हाउ इज द राजेश रिलेटेड टू विशाल, मैटरनल अंकल, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो अ लेटर सीरीज इज गिवन इन विच वन टर्म इज मिसिंग, दिस मिसिंग टर्म इज सॉन विद अ क्वेश्चन मार्क, इन द ब्लैंक स्पेस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मिसिंग। हमें मिसिंग टर्म निकालना है, ए बी सी ई एफ जी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एच आई जे जे के ओ पी क्यू आर के आर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ए सी ए बी सी डी ई, ई से ही है, ई एफ जी एच आई सी डी ई एफ जी ई आई जी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ डाइस इज अ थ्रोन 3 टाइम्स एंड इट्स 3 डिफरेंट पोर्शंस आर शोन बिलो, फाइंड द नंबर ऑन द सरफेस अपोजिट टू 4। हमें 4 का अपोजिट कैलकुलेट करना है। अब हमें पता लग रहा है इनके अंदर कि 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, कॉमन है, मतलब एक हिडन सरफेस ही आंसर होगा, देन 6 इज अ राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, हाउ मेनी 4s आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 5 एंड, ये एंड रिपीट हुआ है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 8। मतलब हमें ऐसा देखना है कि ऐसे कितने 4 हैं जिनके जस्ट पहले और जस्ट बाद में 8 नहीं हो। तो पहला 4 है जिसके जस्ट पहले 5, तो एक तो ये वाला कंडीशन काउंट हो गया, एक 4 है 5 और है, तो ये काउंट नहीं होगा, ये 4 काउंट हो जाएगा, तो 1 ये हो गया, फिर नेक्स्ट ये 4 देखें तो 5 और 8 है, ये काउंट नहीं होगा, ये 4 काउंट करें तो मतलब 1 और 2, मतलब वी हैव द टू टाइम्स या फिर 2 पोजिशंस ऐसे हैं जिनमें 4 ऐसे पोजिशन पे है, 5 और 8 की कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा। नेक्स्ट, रीड केयरफुली द इन्फॉर्मेशन, ऑल 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली ए बी सी डी ई एंड एफ आर ट्रेवलिंग टुगेदर, ए इज द सन ऑफ, ए इज द सन ऑफ डी, सॉरी ए इज द सन ऑफ डी, बट डी इज नॉट मदर ऑफ ए, डी मदर नहीं है,
तो क्या हो जाएगा भैया, फादर। डी आर मैरिड कपल, सॉरी बी एंड डी आर मैरिड कपल, तो डी एंड बी आर मैरिड कपल, तो मैरिड है तो प्लस, तो ये माइनस, माइनस मीन्स फीमेल। एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी। सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी, मीन्स सी इज द सिस्टर ऑफ ए। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई इज द ब्रदर ऑफ ए। ओके नेक्स्ट, हु इज मदर ऑफ ए, ए की मदर कौन है, बी। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज बी हैव, मतलब बी के कितने बच्चे हैं, तो 1, 2, 3, 3 आंसर बनेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मैनी मेल मेंबर आर देर इन द फैमिली, मेल मेंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 आंसर इसका बन जाएगा हमारा, तो 4 आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इफ संडे फॉल्स ऑन द फोर्थ डे आफ्टर 7th जनवरी, मतलब हम लोग ये कहेंगे कि 7th जनवरी के 4 दिन बाद, 1, 2, 3, 4, ये आपका संडे फॉल्स ऑन द फोर्थ डे ऑफ द 7th जनवरी, तो यहां संडे होगा। ओके संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेनसडे, ये क्या हो जाएगा आपके पास, वेनसडे। ओके देन व्हाट डे वाज दिसंबर 1st ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 1st दिसंबर का कैलकुलेट हमें कैलकुलेट करना है, ये है ना। तो भाई सबसे पहले तो अगर हम लोग यहां से देखें तो 7 है, 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहां तक वेनसडे है, ट्यूसडे हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, संडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे के बाद में फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे के बाद में थर्सडे, थर्सडे के जस्ट पहले 31st दिसंबर को क्या हो जाएगा हमारा, वेनसडे। ओके 31st को अगर वेनसडे हुआ तो 3rd दिसंबर को भी क्या हो जाएगा, वेनसडे, एंड 3rd दिसंबर को वेनसडे तो 2nd और 1st, वेनसडे से जस्ट पहले ट्यूसडे और 1st को क्या हो जाएगा, मंडे। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर इसमें कैलकुलेट करना है, 1, 2, 3, 4, 2, इनका सम कितना होता है, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, और इनका सम कितना होता है, 3, तो 3 × 10 कितना हो गया, 30। ऑप्शन नंबर 3rd इज अ राइट आंसर। द डे बिफोर यस्टरडे, टुडे, यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, यहां कौन सा दिन है, कौन सा डे है, थर्सडे। विच डे विल फॉल बी आफ्टर टुमारो, तो ये टुमारो और ये आफ्टर टुमारो, तो ये वाला, तो थर्सडे के बाद में फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, तो ऑप्शन नंबर 1st इज अ राइट आंसर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड आर द गिवन आउट, विच 3 आर अलाइक सम मैनर एंड द 4th वन इज द डिफरेंट, चूज द ऑड वन। सबसे पहले हमारे पास गन, पिस्टल, स्वर्ड और राइफल, तो स्वर्ड आंसर हो जाएगा, तलवार जो आंसर है। नेक्स्ट है पनीर, कर्ड, बटर और ऑयल, ऑयल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला एक सिंप्लीफिकेशन, जिसमें इफ दिस वन एरो का मीन 10, ट्रायंगल का मीन 20, स्क्वायर का मीन 15, डाउनवर्ड एरो है उसका 25, तो ये वाला एक सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, ट्रायंगल का मीन हो जाएगा 20, स्क्वायर का मीन हो जाएगा 15 और माइनस डाउनवर्ड का मीन होता है 25, तो यहाँ से टोटल आंसर बचेगा इस सिंप्लीफिकेशन का 10, और 10 का मीन क्या होता है, अपर एरो। ऑप्शन नंबर 3rd इज अ राइट आंसर। If A is 8, B is 4, C is 5, X is 9 and Y is 6, then find out the value of symbol question mark in the given total. तो हमारे पास सबसे पहले Y का value put up करेंगे 6, A का value put up करेंगे 8, फिर question mark का value put up करेंगे, तो question mark हमारे पास सबसे पहले कि I think कि यहाँ कोई number miss हुआ है, question mark की जगह value हम लोग ले लेते हैं, question mark plus, ये आई होप सो कि यहां प्लस है, और एक मिनट, यहां अगर ये प्लस है तो फिर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, फिर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और फिर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, इनका सम कितना होना चाहिए 40, तो 9, 9, 18, 18 और ये हमारे पास 6 कितने हो गए 24, 24 और 8 कितने होते 32। अब हमारे पास इनको बैलेंस करने के लिए 8 और 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, तो आंसर हो जाएगा ए। बट इसमें चेक करना है कि इस इक्वेशन के अंदर क्या है, प्लस है या माइनस है, तो प्लस है, मैं देख लेता हूँ। हाँ ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं आगे।
Read the following information carefully and answer the questions given below. Six friend A, B, C, D, E, F are sitting in the row facing north. मतलब north की तरफ face करके बैठे हैं एक row के अंदर. D is sitting between B and F. D is sitting between B and F. Clear हो गए? Next, C is not at the end. C जो है वो last में नहीं बैठा. ये information है हमारे पास. A is sitting on the immediate right of F. A is sitting immediate right of F. तो F के immediate right तो यही condition बनेगा भाई. F के immediate right इस side ही होगा. तो A is sitting immediate right of F. F के just immediate right. तो फिर मतलब यही condition बनेगी इसकी. Okay. Next, E is not at the end of the right end. मतलब E जो है वो right end में नहीं बैठेगा. तो right end में हमारे पास total person कितने हैं ये? 3, 3, 6. इनमें से 4 positions clear हो चुकी है हमारे पास. और C is not at the last. C last में भी नहीं है. और वो लास्ट एंड में भी नहीं बैठेगा. तो दोनों कंडीशन है कि ई वो है वो राइट एंड पे नहीं बैठेगा और ये सी लास्ट में नहीं बैठेगा. तो मीन क्या हुआ कि ई को मैं यहां कंसिडर कर लेता हूं. आफ्टर दैट सी इज हियर, बी इज हियर, डी इज हियर, एफ इज हियर एंड ए इज हियर. आई होप सो कि इसी तरीके से डायग्राम ये बनेगा. ठीक है. हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द राइट ऑफ सी? सी के राइट में 1, 2, 3, 4 पर्सन. ओके. नेक्स्ट, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कैलकुलेट अगर हमें करना है तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी का आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट, हु इज सिटिंग ऑन द राइट कॉर्नर? राइट कॉर्नर पे अगर हम लोग देखेंगे तो ए आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोर लैंग्वेज ऑफ बियॉन्ड इज रिटन एज दिस इन दिस लैंग्वेज, बी ई वाई ओ एन डी, यह आ जाएगा E B Y O D N. तो यहां से हम लोग E B Y O D N ये क्रॉस में हो गया. R E P O R T रिपोर्ट का कोड करना है तो यह आ जाएगा E R P O T R. ऐसा ऑप्शन हमें देखना है. तो ये हमारे पास मुझे ऑप्शन दिख रहा है E R P O T R, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, H इज 8 N E T. तो H का प्लेस वैल्यू 8 है, N E T का ये हो जाएगा 14 प्लस 5 प्लस 20, इनका सम 49 है. तो ये हो जाएगा मेरे यहाँ से 6 प्लस 1 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 27. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इन द सर्टेन कॉर्ड लैंग्वेज नेचर इज रिटन एज इन दिस लैंग्वेज, मतलब ये हो जाएगा 14, 1, 20, 21, 18 और ये 5. और इनका आई होप सो कि डिजिट्स हमारे 4 प्लस 1, 5, 1, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5. मतलब हमें डिजिट सम करना है तो ये आ जाएगा 15735, तो ये आ जाएगा 15735. ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो देर आर सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू गिवन नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ साइन दिस वन एंड द सेम रिलेशन लाइज बिटवीन द नंबर गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ साइन दिस वन. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, द मीन्स 5³ - 1 दिस वन, देन 6³ - 1, 6³ = 16, -1 = 215. नेक्स्ट, 30 × 16 × 2 - 2, देन 52 × 2 - 2 दिस वन. तो 52 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, राहुल द्रविड इज रिलेटेड टू क्रिकेट. राहुल द्रविड क्रिकेट से रिलेशन में है, स्पोर्ट्स गेम के रिलेटेड. साइना नेहवाल रिलेटेड टू बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इफ 3 o'clock ऑन माई वॉच, इट इज 3 o'clock ऑन माई वॉच. तो हमारे पास जो वॉच है ये वाली कंडीशन है 12, 6, 3 and 9, और 3 o'clock मीन्स इस पाथ पे तो आवर हैंड हो जाएगा, इस पाथ पे मिनट हैंड हो जाएगा. ओके, इफ द आवर हैंड टूवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट है तो ये ईस्ट हो गया. तो ये ईस्ट होते फिर ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पूरा डायरेक्शन क्लियर हो गया. देन विच डायरेक्शन इज द मिनट हैंड? मिनट हैंड इज इन द साउथ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू गिवन वर्ड्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द साइन आर रिलेटेड टू इन ईच सम वे द सम सेम रिलेशनशिप लाइज बिटवीन द वर्ड गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द साइन एंड वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलोज, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. ओके, ट्रैक्टर, ट्रॉली, हॉर्स, कार्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, स्कूल, एजुकेशन, कोर्ट, जस्टिस.
नेक्स्ट क्वेश्चन, चिमनी स्मॉग गन ब्लट. नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड नंबर सीरीज इज गिवन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द मिसिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव क्वेश्चन. दिस वन 15 into 2, नेक्स्ट 15 into 3, नेक्स्ट 15 into 5, नेक्स्ट 15 into 7, नेक्स्ट 15 into 9, आई होप सो 9 11, 3 5, 2 3 5 7 9 11 मीन्स प्राइम नंबर का सिक्वेंस आ रहा है. 15 into 13, नेक्स्ट आ जाएगा 15 into 17, तो 15 into 17, आई होप सो 15 into 17, 55 55, और 255 रह रहे. ओके, नेक्स्ट 2 12 27 48, 3 12 3 12 27 48, दोनों का जो डिफरेंस बनेगा आई होप सो कि 9 है, फिर इन दोनों का डिफरेंस होगा 15, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आई थिंक 21, फिर आ गई तो यहाँ 6 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस, 27, और इनका सम जो होगा वो होगा 15 6 और 75. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. 2 15 11 41, 2 15 41, क्वेश्चन मार्क 132. यहाँ जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 13. नेक्स्ट वन जो डिफरेंस है हमारे पास 6 और 26, तो एक आइडिया ले सकते हैं कि 13 है 6 36 है 39, क्योंकि इनमें 13 फिर 13 फिर 13, 2 और फिर अगर हम लोग यहाँ से कंसिडर करें 52, एक बार देख लेते हैं, 9 और 1 10 3 7 80, अगर यहाँ 80 है तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ से 80 और 52 कितना होता है 132, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पेयर ऑफ द नंबर्स आर द गिवन आउट ऑफ द विच ऑल पेयर एक्सपेक्ट वन आर सिमिलर इन द गिवन सिमिलर पेयर एंड द नंबर्स आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, चूज द ऑड पेयर फ्रॉम दीज. हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे 35 into 3 प्लस 5 9 15 और 9 और 1 10 प्लस 5 10 आ रहे, 25 into 3 प्लस 5 बन रहा है यहाँ से, और 40 into 3 120 प्लस 5 बन रहा है, बट ये 30 into 3 ही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड डिफरेंट हो जाएगा यहाँ से. नेक्स्ट, यहाँ इन दोनों में डिफरेंट कैलकुलेट 9 9, इनका 5 और इनका भी 5 सम, इनका 9 इनका 9, अब इसमें देखें 10 और इसमें देखें 11, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट, मतलब जो नंबर है उनके डिजिट सम क्या आ रहे हैं उसके अंदर, पेयर के अंदर क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं. नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन 3 into 5, ये हो जाएंगे 15 15 into 12 180 180 डिवाइडेड बाई 10 दिस वन. ओके, नेक्स्ट 27 into 10 डिवाइडेड बाई 27 into 10, मतलब ये हो गया डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 27 है, मीन्स इनका मल्टीप्लाई जो है डिवाइडेड बाई 10, ये 30 30 into 4 कितना होता है 120 120 बाई 10 12, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर. फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग डायग्राम, तो यहाँ से डिवाइडेड बाई 3 दिस वन, डिवाइडेड बाई 3 दिस वन, ओके, डिवाइडेड बाई 3 दिस वन, 21, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर. फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन फॉलोइंग डायग्राम, ए डी 1 और 4 5, 3 और 9 12, 7 और 11, के कम ऑन 11, तो 7 और 11 18 18 मीन्स आर. ओके, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो. राज एंड रवि आर द गुड इन द वॉलीबॉल, देन वी नो दैट राज एंड रवि आर गुड इन वॉलीबॉल, बोथ आर गुड इन वॉलीबॉल. ओके, वॉलीबॉल एंड हॉकी, हॉकी आल्सो,
सचिन एंड राज आर गुड इन वॉलीबॉल एंड क्रिकेट. क्रिकेट राज एंड सचिन बोथ आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल. सचिन एंड राज आर गुड इन वॉलीबॉल एंड क्रिकेट. ओके अक्षय एंड रवि. अक्षय एंड रवि आर गुड इन बेसबॉल एंड हॉकी. अक्षय एंड रवि बोथ आर गुड इन अक्षय एंड रवि बोथ आर गुड इन बेसबॉल एंड हॉकी. देन रवि और अक्षय. अक्षय एंड विनय आर गुड इन फुटबॉल. मीन्स लास्ट वन इज दैट विनय. विनय इज गुड इन फुटबॉल एंड क्रिकेट. फुटबॉल अक्षय एंड विनय. अक्षय एंड विनय मीन्स दोनों फुटबॉल में भी और क्रिकेट में भी. क्रिकेट में अक्षय एंड सचिन. ओके तो ये हमारा एक डायग्राम बन गया. हु इज अ गुड एट क्रिकेट हॉकी एंड वॉलीबॉल. क्रिकेट हॉकी एंड वॉलीबॉल जो तीनों के अंदर अगर अच्छा रह रहे हो तो राज रह रहे. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर. ओके डियर नेक्स्ट अब इसी डायग्राम को यूज करके हमें आंसर कंटिन्यू जो अदर ऑप्शंस क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है. हु इज द गुड एट क्रिकेट बेसबॉल हॉकी एंड फुटबॉल. क्रिकेट बेसबॉल हॉकी एंड फुटबॉल. क्रिकेट क्रिकेट बेसबॉल हॉकी और फुटबॉल जो इन चारों में अच्छा हो. तो इन चारों में अच्छे की अगर हम लोग बात करें तो यह है अक्षय. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है हु इज अ गुड एट वॉलीबॉल बेसबॉल एंड हॉकी. वॉलीबॉल बेसबॉल एंड हॉकी. वॉलीबॉल बेसबॉल एंड हॉकी. वॉलीबॉल इज हियर बेसबॉल एंड हॉकी. इज दैट क्लियर. अब इनमें जो सबसे अच्छा होगा वो होगा रवि. वॉलीबॉल बेसबॉल एंड हॉकी वो होगा रवि. नेक्स्ट इफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई. माइनस मीन्स डिवाइड. डिवाइड मीन्स दिस एंड मल्टीप्लाई बाई मतलब मीन्स 8. प्लस मीन्स मल्टीप्लाई बाई 9. डिवाइड मीन्स प्लस बाई 4. माइनस मीन्स डिवाइडेड बाई 4 एंड मल्टीप्लाई बाई मीन्स माइनस बाई 8. इज दैट क्लियर. एक बार इस सिम्बल्स को भाई ध्यान से देख लेना कहीं कोई गलती नहीं रहे इनमें. ये डिवाइडेड बाई 1 रहेगा तो 1 हो गया. 72 प्लस 1 माइनस 8. तो यहां से ये सीधा सीधा रह गया 73 माइनस 8. तो ये हो जाएगा 65. ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर नंबर्स इज गिवन विच वन टर्म इज अ रॉन्ग. एक हमें रॉन्ग टर्म कैलकुलेट करना है इसके अंदर. ये अच्छे क्वेश्चन है सीरीज के भाई. 16 और 20 इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 4 to 6. फिर इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 10 का. फिर इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 8. फिर इन दोनों का है 12. फिर इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो आई थिंक 14. 4 to 6. तो यहाँ से जो रॉन्ग टर्म बन रही है वो यहाँ कुछ गड़बड़ है. तो अगर मैं यहाँ 6 का सबसे पहले इन दोनों में 6 करा. अब इन दोनों में 8 का करने पे यहाँ 30 का हो गया. और 30 हो गया ये हो जाएगा 8 का और ये 10 का. सिक्वेंस बन गया मतलब 30 का जो टर्म है वो रॉन्ग है. मतलब 32 रॉन्ग है यहाँ से. ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट. नेक्स्ट 2 5 2 5 10. 10 5 50 50 into 10 500. मतलब ये वाला रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन अपना 15 नंबर. 8 13. इन दोनों में जो डिफरेंस हो गया वो 5 का हो गया. इन दोनों में डिफरेंस होगा 7 और 1 8 का डिफरेंस हो गया. इन दोनों में हो गया 9 और 2 11 का. इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास बनेगा 8 और 6 14 का डिफरेंस. फिर इन दोनों में जो डिफरेंस बनेगा वो हमारे पास बनेगा आई थिंक कि 17 का. 6 3 और 5 और 1. फिर इन दोनों में जो डिफरेंस बनेगा वो हमारे पास बनेगा 20 का डिफरेंस. और ये आ रहा है 83 आना चाहिए जो कि 82 आ रहा है. ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट. ओके थैंक यू. जय सीएलसी. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स.
जैसा कि आज आपका एसटीसी का पेपर था और आई होप सो कि आपका पेपर सबका बहुत अच्छा गया है। एसटीसी मींस स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम, और उसके अंदर एक सेक्शन है मैट, जिसमें हम लोग आज वीडियो सॉल्यूशन लें। तो आओ सबसे पहले 12th क्लास का जो मैट का पेपर है उसका सॉल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इफ अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इज कोडेड एज 4, 5, 1, 12, देन हाउ विल लेडी बी रिटन इन द कोड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 4, 5, 1, 12 मीन्स लेडी का हो जाएगा 12, 1, 4, 25। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 5, ई का प्लेस वैल्यू 5 है। होटल का हो जाएगा 8 + 15 प्लस आपके पास हो जाएगा ये 20 प्लस ये हो जाएगा 5 + 12 ये होगा, तो ये आ जाएगा 15 और 20, तो ये हो जाएगा 20, 20, 40, 40 और ये 60 डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा 12 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 लेटर है तो 12 हो गया, जिसमें इसमें 1 लेटर था तो 5 हो गया। तो ये लैम्प से काउंट कर लेते हैं, यहाँ से 12 + 1 + 13 + 2 ये 15 और ये 16 और 2 18 28 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 7। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट इन इज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर लेटर एंड नंबर सीरीज इज अ गिवन विद वन टर्म मिसिंग विच इज शोन बाय क्वेश्चन मार्क। दिस टर्म इज वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन अंडर इट, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव। मिसिंग सीरीज है 3 to 10 क्वेश्चन है इसके, तो AZ अपोजिट है, GT अपोजिट है, MN अपोजिट है, YB अपोजिट है, मीन्स अपोजिट का, तो ये अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है, सॉरी ये अपोजिट नहीं है, GT होता है तो HS, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट। नेक्स्ट है RUXAD +3 + 3 + 3 + 3 एंड अगेन +3, 7 जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट। नेक्स्ट B+2D D+2F F+2H Z, Y, X, W and V आएगा A, C, E and Z, H, W, Z ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है एडवेंचर को, नेक्स्ट ये दे रहे हैं, तो एडवेंचर में सबसे पहले ए गाइब, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज आ गया, फिर इसके अंदर हमारे पास ई गाइब, तो ये एज इट इज आ गया, अब हमारे पास डी गाइब हो जाएगा तो V, E, N, T, U, R तो ये आ रहा है आई थिंक V, E, N, T, U, R ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 48, तो ये हो जाएगा 48 का डबल, ये 96 का डबल, तो ये तो चीन में ये यहाँ डबल तो 96 फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है 2/3, 4/7 क्वेश्चन मार्क, 2 + 4, 4 + 3, 7 7 + 4, 11 + 5 मतलब 7/something आएगा, तो 7/something फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट 11 1/9 तो 11 1/9 1900/9 ये हो जाएगा 25/2 ये हो जाएगा 100/7 ये हो जाएगा 50/3 नेक्स्ट 100/something देना पड़ेगा यहाँ से, ये 9, 7 और ये 5, 5 का 20 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 4, 9, 25, 2, 3, 5 ये 11, 13 तो ये हमारे पास सबसे पहले ये वाला नंबर रिपीट हुआ है आई थिंक 2, 8, 9 है, जैसे कि 17 है और ये 19 का स्क्वायर है, तो यहाँ जो हमारे पास बनेगा 2, 3, 5, 7 का स्क्वायर 49 सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोटेड ब्लड रिलेशन है, ए प्लस मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए इक्वल्स टू मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो हमारे पास सबसे पहले ये इक्वेशन दिया हुआ है P + R - Q तो प्लस का मीन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इज द सन। नेक्स्ट माइनस का मीन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इज द वाइफ, तो क्योंकि ये वाइफ है, वाइफ का बेटा खुद का बेटा ही होता है, हमें देखते हैं क्या रिलेशन पूछा है यहाँ से। क्यू इज द अंकल ऑफ पी, क्यू इज द नो आर इज द वाइफ ऑफ क्यू एंड पी इज द सन ऑफ आर, तो ये वाला इसमें रिलेशन बनेगा। क्यू इज द फादर ऑफ पी,
क्यू इज द फादर ऑफ पी. ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड का मीन हमें काउंट करके लाना है उधर से. मल्टीप्लाई का मीन है हमारे पास ब्रदर, मल्टीप्लाई का मीन है ब्रदर, और नेक्स्ट डिवाइड का जो मीन आएगा हमारे पास वो आएगा मदर. तो ये हो जाएगा मदर, मतलब आर इज द मदर ऑफ क्यू एंड पी इज द ब्रदर ऑफ आर. ये तो होगा. तो यहां से हम लोगों को देखना, पी इज द फादर ऑफ क्यू, नो. सेकंड, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, नहीं. पी इज द सन ऑफ क्यू, पी इज द सन ऑफ क्यू. पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू. ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट. पी इक्वल्स टू और प्लस, इक्वल्स टू और प्लस का हमें मीन लाना है यहां से. इक्वल्स टू का मतलब है सिस्टर और प्लस का मतलब है सन. इक्वल्स टू का मतलब है, इक्वल्स टू का जो मीन है वो हमारे पास है सिस्टर, और जो प्लस का मीन है हमारे पास वो है सन. तो ये आ जाएगा सन. तो आर इज द सन ऑफ क्यू एंड पी इज द सिस्टर ऑफ आर इज द P is the sister of R. P is the sister of R. Okay. Then P is the daughter of Q. P is the daughter of Q. First is the right. P is the nice niche. No. P is the sister of Q. P is the sister. P is the aunt of. No. Option number first is the right answer. Like what do means equals to ka to means sister hai. Aur divide ka check karte hain ek baar usme information. Divide ka means mother. Divide means mother. तो यहां से बनेगा P इज सिस्टर ऑफ R एंड R इज मदर ऑफ Q. ओके, तो यहां से बनेगा P इज द नीस ऑफ Q. P इज द नीस ऑफ Q. नो. Q इज द डॉटर ऑफ P. Q इज द डॉटर ऑफ P. नो. P इज द सिस्टर ऑफ Q. P इज द सिस्टर ऑफ Q. नो. P इज द आंट ऑफ Q. ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आर राइट आंसर. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द. अलका इज ऑल्डर देन माला. अलका इज ऑल्डर देन माला. गोपाल इज ऑल्डर देन माला. एक बार इंफॉर्मेशन निकाल लेते. गोपाल इज ऑल्डर देन माला बट यंगर देन अलका. ये इंफॉर्मेशन बन गई. कपिल इज यंगर देन राम एंड माला. कपिल इज यंगर देन माला एंड राम. अब देखते हैं, माला इज ऑल्डर देन राम. तो राम यहाँ आ जाएगा. अब हमारे पास ये डायग्राम एक बन गया. फिर हमें पूछा है हुज एजेस इज बिटवीन गोपाल एंड राम. गोपाल एंड राम मींस माला. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट. हुज एजेस इज बिटवीन माला एंड कपिल. माला एंड कपिल के बीच में राम आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज एल्डेस्ट. एल्डेस्ट कौन होगा इसके अंदर? अलका. नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज द यंगेस्ट. यंगेस्ट आई थिंक कपिल आ जाएगा. कपिल. हु इज द यंगेस्ट? कपिल. नेक्स्ट, अ क्यूब हैज ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर. ए 6 सेंटीमीटर. हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर. एन की वैल्यू आ जाएगी 6 by 1 = 6. नंबर्स ऑफ स्मॉल क्यूब होता है एन क्यूब, मतलब 216. ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर. इफ द 15th अगस्त, तो इनका जो कोड होगा 15th अगस्त का कोड आई थिंक MJA 253, मतलब 3 ये, और यहाँ से 2000 का रिमाइंडर 00 का 6, 4 2 8, 2 times डिवाइडेड बाई 7. तो यहाँ से 1 रिमेनिंग, ये कैंसिल हो गए यहाँ से, रिमेनिंग 2 मतलब मंडे. तो एक्चुअल डे आ रहा है इसका. अब इसका देख लेते हैं. 17 सेप्टेम्बर का कोड हो जाएगा यहाँ से जा फमन जा अंबर. ये आपको सिक्वेंस याद होगा 1406, है नी? ये था ना. तो सेप्टेम्बर का हो जाएगा 6, वो ही 11 6 और 2 डिवाइडेड बाई 7. तो यहाँ से सबसे पहले जो कैंसिल होंगे ये हो जाएंगे 28, तो कैंसिल हो गया. फिर 8 1 बचा यहाँ से, ये 0, और 0 पे जो रहेगा वो रहेगा सैटरडे. ऑप्शन हो जाएगा थर्ड आंसर. ओके डियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. 21st, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स, जो हमारे पास ये डायग्राम रहेंगे,
ये साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो साउथ वेस्ट कौन सा होगा? सबसे पहले ये साउथ और ये वेस्ट, मतलब ये कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा? साउथ। ये नॉर्थ तो ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। देन व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट बिकम्स, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स साउथ। नॉर्थ ईस्ट तो डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक आर एट द राइट एंगल इन अ डे, मतलब हो जाएगा 44 टाइम्स। ओके, इन द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज द रिवर्स, देन विच लेटर वुड बी द एग्जैक्टली इन द मिडल। वी नो दैट द टोटल नंबर्स ऑफ द इन अल्फाबेट इज 26, चाहे वो हम लोग रिवर्स में लिखें चाहे कैसे, और एक इवन नंबर होता है उसका अगर मिडिल हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास एक पेयर में नंबर आंसर आना चाहिए, या फिर अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन की डिस्कस करें तो नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा एम एंड एल, बोथ आर द मिडिल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। ये अपना एसटीएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, आंसर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द मेटल आयरन, आयरन इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन द केरल बिहार एंड इंडिया, केरल बिहार एंड इंडिया, केरल बिहार एंड इंडिया। नेक्स्ट, अब हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, इफ एल स्टैंड प्लस एम, एल मीन्स होता है प्लस, एम मीन्स माइनस, एन मीन्स मल्टीप्लाई, पी मीन्स डिवाइड, देन 14n 10l 42p 2m, यही तो होगा ना, तो ये हो जाएगा 21। तो 140 प्लस 21 माइनस 8, तो 132 प्लस 21 351 153, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। In each of the following questions given below, two statement are given followed by two conclusions numbered 1 and first and second. You have to assume both the statement to be true even if they seems to be the different from universal non-facts. Read both the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows from the two given statement disregarding commonly non-facts. ऑल प्लैनेट्स आर स्टार्स, सेलोरिज्म का क्वेश्चन है तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल प्लैनेट्स आर स्टार, ऑल स्टार्स आर मून, ऑल स्टार्स आर मून। ओके, देन सम स्टार्स आर प्लैनेट इज राइट, सम मून्स आर प्लैनेट, बोथ आर राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, सम प्लेयर्स आर सिंगर, सम प्लेयर्स आर सिंगर एंड ऑल सिंगर्स आर टॉल। ओके, सम प्लेयर्स आर टॉल, सम प्लेयर्स आर टॉल इज अ राइट, ऑल प्लेयर्स आर टॉल नो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। All cats are dog, all cats are dog and all cats are black and all dogs, ये conclusion है हमारे पास, conclusion number first, ये यहाँ first है और ये second है। okay, तो all dogs are black, all dogs are black is a wrong answer, some dogs are black, second is a right answer, तो second conclusion is a right। next question पे 31 पे आते हैं, हमारे पास दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट नंबर्ड फर्स्ट एंड सेकंड गिवन बिलो इट, यू हैव टू डिसाइडेड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट, चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आफ्टर स्टडिंग केयरफुली बोथ द स्टेटमेंट गिवन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब ये डीएस का क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या जो भी डेटा दिया हुआ है पता लगाना है कि कौन से इनमें से सही है। वॉट इज द डिफरेंस इन द एजेज ऑफ द पी एंड के, फर्स्ट में पी है, एम है, एम है, जेड है, मैं डायरेक्टली से कर देता हूँ क्योंकि हम लोग दोनों से ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन आंसर होगा थर्ड क्योंकि इसमें एलिमेंट के है ही नहीं हमारे पास। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, वन ऑन विच डे ऑफ द वीक वॉज बर्थडे ऑफ संभव, संभव का बर्थडे कैलकुलेट करो, संभव सेलिब्रेट हिज बर्थडे एग्जैक्टली नेक्स्ट डे ऑफ अरुण्स बर्थ, मतलब जिस दिन भी अरुण सेलिब्रेट करेगा उसके नेक्स्ट डे क्या कर लेगा, संभव अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। ओके, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कैरी, द सिस्टर ऑफ संभव वॉज बॉर्न ऑन द थर्ड डे ऑफ द वीक, थर्ड डे ऑफ वीक द मतलब वेनसडे हो जाएगा, एंड टू डे आफ्टर संभव वॉज बॉर्न, मतलब इसके दो दिन बाद अगर संभव बॉर्न होता है, मतलब तीसरे दिन उससे हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं ओनली सेकंड इज द सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ओनली सेकंड।
नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज एक्स एंड जेड? सिटी वाइज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम जेड. नेक्स्ट, सिटी एक्स इज 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इज अवे फ्रॉम वाई. और हमें क्या चाहिए इन दोनों से? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड. एक्स एंड जेड चाहिए, तो मैं यहाँ से वाई यहाँ है, एक्स अगर बीच में रख दो 15, तो कैलकुलेट कर पाएंगे. तो हम लोग दोनों का यूज करके हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x-4y? हम लोग इन दोनों का यूज करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 34 में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास ये ट्रिपलेट, मतलब पाइथागोरस थ्योरम 3, 5, 4, 5, 12, 13. तो यहाँ से हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये किसका बनेगा. तो 289 माइनस हमारे पास 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225. तो ये हो गया 4, 6, तो ये हो जाएगा 8. तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास इनका मल्टीप्लाई, यहाँ बन रहा है इनका मल्टीप्लाई, यहाँ बन रहा है इनका मल्टीप्लाई. तो ये 6 पॉजिटिव हो जाएगा, 30. ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर. इनका 7 और 3 10, 12 और 1 13. 13 का स्क्वायर ये बन रहा है 5, 3 8, 2 10 और 11 का स्क्वायर ये बन रहा है 6 और 5 11, 4 15, 15 और 1 16, 16 का हो जाएगा 256. ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर. यहाँ से है a प्लस 2 c, c प्लस 2 e, ओके, प्लस 2 प्लस 2 k, प्लस 2 प्लस 2 ये तो आ रहा है 2 और 4 6, 5 और 9 14 और ये 14 बन ही रहा है. तो k 14 ऑप्शन में बन रहा है. एक मिनट, 5 और 3 8 ही होगा, ये 5 और 3 8, k 8 ऑप्शन होगा. ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट ये है हमारे पास एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन. तो यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 13 हो रहा है हमारे पास. तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25. अब इसका और चेक कर लेते हैं, 16 प्लस 25 11, 3 और 4 तो ये 41. तो 39 के अंदर आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, 41 से 41 के लिए है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यू आर गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फाबेट्स एंड द नंबर्स फॉलोड बाय द फोर अल्टरनेटिव. चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लियरली रिजेंबल द वाटर इमेज ऑफ द गिवन. तो वाटर इमेज कैलकुलेट करना है, तो वाटर मतलब यहाँ लगेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें एस नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट. इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात है ये ऐसा सा कुछ इमेज बनेगा, यस ऑर नो? तो हमारे पास ये इमेज ऐसा, ये इमेज बनेगा. तो सबसे पहले ये भी हो सकता है क्या? बट ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. अब हम लोगों को अगर बात करें तो ये भी नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ द लेटर विल लुक द सेम इन द मिरर. मिरर में सेम, अगर ये मिरर में देखेंगे तो ये ए यहाँ आ जाएगा, एज इट इज नहीं होगा. ये H और B आर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे. अब ये देखते हैं तो ये आ जाएगा A O V I V O A, तो एज इट इज सही लग रहा है. तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर बनेगा ये वाला जो ऑप्शन है भाई. थर्ड है, फोर्थ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन पेपर के अंदर. तो ये थर्ड आंसर है इसका, ठीक है. नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर द सर्टेन रिलेशन बिटवीन द टू गिवन वर्ड्स, वन साइड ऑफ एंड वन वर्ड इज गिवन ऑन द साइड ऑफ व्हाइल द अनदर वर्ड इज टू बी द फाउंड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव हैविंग द सेम रिलेशनशिप विद हिज वर्ड एज द वर्ड ऑफ द गिवन पेयर बीयर. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. इंडिया का प्रेसिडेंट, तो राजस्थान एक स्टेट है जिसका कौन होगा? गवर्नर. नेक, ट्यूबरक्लोसिस लंग से रिलेटेड है, तो कंट्रैक्ट जो मोतियाबिंद है वो आपका होगा आई से. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से क्वेश्चन, वो है रोहित शर्मा, 44 हो गया था ना, 45 पे रोहित शर्मा है क्रिकेट से, तो सानिया मिर्जा जो होगी वो होगी आपकी टेनिस से. नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देर इज द सर्टेन रिलेशन बिटवीन द टू नंबर वन साइड ऑफ वाइल अनदर इज टू द फाउंड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव हैविंग द सम रिलेशन with his number as the number of the given pair b. choose the correct alternative.
तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये नंबर आएगा, तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0102 आएगा, ये इसका नंबर बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर 2011। तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कर देंगे तो इसका डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 और 1 प्लस 1 52 आ गया। रीड द केयरफुली इंफॉर्मेशन and answer the given below. A person is asked to put a basket one apple when order one. मतलब अगर वो one order करता है तो वो one apple करेगा. Okay. And one guava when order two. और अगर order two करता है तो one guava कर देगा. Okay. One orange when order two three. जब order three करेगा तो one orange हो जाएगा. And asked to take out from the basket one apple and one guava both when order four. Four karega to one guava plus one apple. Ye wo minus karega. Okay. Dekhte hain kya karta hai. How many fruits will be there in the basket at the end of the given above order sequence? To 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. मतलब 19 फ्रूट्स उसके पास है। अब 19 फ्रूट्स अगर उसमें से हैं जिनमें से 1, 4, 2, 3, 4 मतलब 8 वापस निकाल लेगा तो बचेंगे कितने उसके पास 11। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। हाउ मेनी गवावा विल बी देयर इन द बास्केट एट द एंड ऑफ द अबव ऑर्डर सीक्वेंस। मतलब गवावा हमें देखने हैं उसमें कितने हैं, तो सबसे पहले देखते हैं 2 कितने हैं हमारे पास। 2 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 गवावा हैं। अब हमारे पास जब 4 आ रहा है तो 4 आ रहा है हमारे पास 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, और 4 टाइम में मतलब एक गवावा बाहर निकल रहा है तो हमारे पास फाइनली कितने बचेंगे 2। ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर इन द बास्केट एट द एंड ऑफ द अबव ऑर्डर। मतलब एप्पल हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से, तो एप्पल के लिए 1 आएगा सबसे पहले, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही एप्पल आपके पास थे और उसके अंदर आप लोगों ने पास 4, तो ये 4 के पेयर कितने थे हमारे पास 1, 2, 3, 4, तो 4 एप्पल वापस निकल दी तो गवावा भी एप्पल भी कितने बचेंगे हमारे पास लास्ट टोकरी के अंदर 2 ही बचेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट। ओके थैंक यू। जय सीएलसी।